ముస్లిం మైనార్టీలకు చెందిన ఉర్దూ భవన్ ఆస్తిని అప్పగించి లెక్కపత్రం ఇవ్వాలని దాని ఉనికిని కాపాడాలని జీవన్ దాన్ అసోసియేషన్ ఫర్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఉర్దూ ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు ఉర్దూ అక్కడే టెంట్ ఐదు రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపడుతున్నారు ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం కేటాయించిన ఉర్దూ భవనాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆ దిశగా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు జొరవ చూపి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు గతంలో ఎన్నో శుభకార్యాలు చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు

बी पार्टी के जो माइनॉरिटी लीडर्स थे और पिछले महीने की अठारह तारीख दिसंबर 2023 की अठारह तारीख से हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की ये जायदाद मुसलमानों को वापस की जाए हिसाब किताब के साथ लेकिन ना ही तो हमारे सबका एम एल ए जोगु रमन्ना साहब इस पर कोई इकदाम उठा रहे हैं ना ही तो इसके मौजूदा सदर माइनार्टी कमीशन मेंबर या एक्स मेंबर अतरुल्ला साहब कोई कदम उठा रहे हैं ना ही तो सबका इसकी जो कमेटी थी वो लोग को इसका हिसाब किताब बता रहे हैं शाहिद अहमद तवक्ल साहब ने ये कहा था कि ये मुसलमानों की जायदाद है लिहाजा मुसलमानों को ही बैठ के इसके मसले का हल करना चाहिए इसीलिए हम पिछले पाँच दिनों से यहाँ पर बैठ कर आज इस भूख हड़ताल का आखिरी दिन है सात तारीख है पाँच दिनों से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे टी के जरिए मीडिया के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए भाई आप लोग आइए किसी अच्छे जमात के पास किसी आलिम हाफिज़ मुफ्ती के पास बैठिए उन्हें हिसाब दीजिए और सदारत से आप दस्तबरदार हो जाइए सदारत की नई जो, जो भी कमेटी है इन श्ला एक नई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बेहतरीन लोगों को लिया जाएगा लेकिन आज तक का जो रिक्वेस्ट हमारा था आज तक का जो गुजारिश हमारी थी वो ख़त्म हो चुका है आज हमारी यह भूख हड़ताल भी ख़त्म हो रही है जितने मुसलमानों ने जितने कौम के हमदर्दों ने हमारा साथ दिया उन सबका हम दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अब कल से हमारा जो जद्दोजहद रहेगा जो तहरीक रहेगी उसमें हम शिद्दत पैदा कर रहे हैं कल हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस पार्टी की